तो क्या हाल चाल है फ्रेंड्स। तो चलिए सबसे पहले तो अभी हम लोग बात कर लें रजत दलाल एंड फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। तो भाई जैसे कि आपको पता होगा ना, रजत दलाल को अरेस्ट कर लिया गया था। अगर भाई आपको नहीं पता तो भाई मेरी परसों वाली वीडियो जाकर देख लेना, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया ना कि भाई रजत दलाल को क्यों अरेस्ट कर गया था। तो भाई रजत दलाल वाले केस पर फ्लाइंग बीस्ट अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी पर बहुत गुस्सा हो गए रजत दलाल, और वो रजत दलाल के बारे में कुछ ये बोले ना अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर। गाइस सॉरी, मैं इन सब चीजों के बारे में बात थोड़ा कम करता हूँ, बट मैंने अभी न्यूज चैनल्स होते हैं तो न्यूज देखी कि किसी एक बंदे ने जिम में रील बनी थी तो उसको पसंद नहीं आया, वो उठा लिया, फेस पे सुसु किया, मारा, एबडक्ट कर लिया। और शर्म की बात यह है कि कुछ बड़े क्रिएटर्स उसके साथ कोलैब कर रहे हैं कंटेंट के लिए। गुंडे हैं भाई ये लोग, इनको बॉयकॉट करना चाहिए, सोशल मीडिया से हटाना चाहिए। हम उनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, मुझे बहुत शर्म आई है। इसके बारे में पहले कभी बात नहीं की क्योंकि जो क्रिएटर्स कोलैब कर रहे हैं वो अपने मित्र भाई हैं, तो अच्छा नहीं लगता, कि समझ लो। बट बहुत गलत चीज़ है, मैं खुल के बोल रहा भाई, सारे व्यूज़ चैनल सब यहीं रह जाएगा। जब ऊपर जाएंगे तो ये लेके नहीं जाएंगे, ऊपर अपने कर्म लेके जाएंगे, और ये ऐसे कर्म लेके जाएंगे तो भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे भाई, ये मुझे नहीं पता। बहुत बहुत ज़्यादा शौक में हूँ मैं कि ये कहाँ पहुँच गए हम। गुंडों को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, और जब वही हमारे परिवार में होता तो हमें तब समझ में आता है कि यार ये तो हमारे परिवार हमारे साथ ऐसा हो गया। और जितने भी गुंडे हैं ये सब हिंदू धर्म के वो बन रुक चुके हैं, आजकल फेस बन चुके हैं, और सारे गलत काम ये करते हैं। पंच महापाप होते हैं हिंदू धर्म में: हिंसा, हत्या, परिस्त्रीगमन, शराब पीना, द्वित कीड़ा, जुआ खेलना और चोरी करना। और ये सारे ये सब कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं, और अपने आप को बताते हैं कि हम हिंदू हैं। पंच महापाप करते हुए भी ये अपने आप को ग्लोरीफाई करते हैं। मतलब मैं बहुत टाइम से मैं देख रहा हूँ, कभी कुछ बोला नहीं मैंने, क्या बोलूँ। हम उस लायक नहीं है कि लोगों को ज्ञान दें, हमें खुद ही कुछ नहीं पता, लेकिन आज मेरा दिल बहुत दुखी और बहुत शौक हूँ भाई मैं। तो चलिए भाई अभी हम लोग बात कर लें नेक्स्ट अपडेट की। तो गाइस नेक्स्ट अपडेट है एलविश यादव एंड थगेश के बारे में। तो भाई रिसेंटली थगेश ने ना अपने वीडियो में ट्रोल कर दिया था एलविश यादव को। चलिए सबसे पहले तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। खबरें शो एक एंटरटेनमेंट शो है, यहाँ पर हर साइड पे जोक्स लिए जाते, हर चीज पे जोक्स किए जाते, लेकिन साइड नहीं ली जाती, क्योंकि अगर आपको साइड लेनी है तो ये दो चैनल तो है। टाइटल देखो, जर्मन शेपर्ड है थंबनेल में। एक बात तो एलविश भाई को जानवरों से बहुत प्यार है। कोई बात नहीं, एलविश भाई को इस वीडियो का रेवेन्यू बेल में काम आ जाएगा, ध्रुव राठी को इंडिया से जाने की टिकट में। बट एलविश ने एक बहुत ही स्मार्ट मूव किया इस वीडियो में, ध्रुव की एडिटिंग मॉक की है, ध्रुव का बैकग्राउंड, ध्रुव का बात करने का स्टाइल सब कुछ सेम रखा है, यहाँ तक कि प्रोपोगंडा का स्पेलिंग जो कि गलत था वो भी। ध्रुव पे ये भी आरोप लगाया कि वो अपने फोटोज वीडियोस डिलीट करता है। ध्रुव भाई मेरा स्टोरेज फुल हो रहा है, थोड़ा हेल्प कर दो। कसम से अगर पोकेमोन बैटल होता ना, एक के पोकेबॉल से जर्मन शेपर्ड निकलता, एक के पोकेबॉल से सांप निकलता। तो भाई इस वाले वीडियो का रिप्लाई दिया है एलविश यादव अपने रीसेंट ब्लॉग में, वो आप खुद देख लीजिए ना। क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ तुम लोगों का इसने थगेश में? अरे थगेश तो अच्छा बंदा है यार। तो चलिए भाई अभी हम लोग बात कर लें नेक्स्ट अपडेट की। तो गाइस नेक्स्ट अपडेट है थगेश के बारे में। तो भाई जैसे कि आपको पता होगा ना, थगेश का एक शो है लफड़ा सेंट्रल। तो भाई लफड़ा सेंट्रल के एपिसोड नंबर 4 में कौन आने वाला है, इस चीज के बारे में थगेश अपने रिसेंट वीडियो में कुछ ये बोले ना। दीपक भाई अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी कार का कूलर काम कर रहा है? ऐसी 50 कार खड़ी है जोगिंदर के पास। तुम्हारा जोगिंदर वॉशिंग सेंटर है क्या? आई वॉन्ट दीपक कलाल लफड़ा सेंट्रल पे, कैसे भी मेरे को चाहिए दीपक कलाल यार। दीपक भाई आ जाओ यार लफड़ा सेंट्रल पे, पब्लिक जाके बोलो दीपक भाई को लफड़ा सेंट्रल पे। तो हाँ भाई आज की इस वीडियो में कुछ यही अपडेट्स थे। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो ना, वीडियो के लिए एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस वाले चैनल पर आपको ऐसी यूट्यूबर्स के रिलेटेड अपडेट मिलते रहती है ना। तो हाँ भाई टेक केयर एंड बाय बाय।